हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से, यूट्यूब फैमिली को भी और जो भी फेसबुक पे है उन सबको ईद मुबारक। आज हमने प्लान किया है नमाज पढ़ने का, वो है नूरगा, और वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा भीड़ मिल जाएगी। नमाज के लिए टाइम है, नमाज है वहाँ पे कोई 8:15, तो हम यहाँ से निकलेंगे 7:30 बजे। तो गाइस करते हैं फिर अपनी रानी को फटाफट स्टार्ट। सुबह सुबह कोल्ड स्टार्ट करने का मजा ही अलग है। बिस्मिल्लाह। ठंड लग रही है यार, कितना सही मौसम है। अभी तो बज गए 7:10, तो मौसम तो लाजवाब है भाई। तो आगे मेरा एक भाई वेट कर रहा है, जो काफ़ी दिन से बोल रहा था भाई मुझे अपने साथ ले चलो, तो आज इसका टाइम आ गया। देखो भाई, कुत्ते का पिल्ला कहाँ बैठा है। अरे साइड हट, इनको भी लग रहा है कि आज बिल्कुल रोड खाली है। ईद के दिन तो पता ही है रश बहुत कम होता है, तो कुत्ते भी इंजॉय करते हैं रोड, सीधा रोड पे आते बैठने के लिए। ओ फटाफट एकदम से निकलाया बाहर। चलो जी भाई, ईद मुबारक। अच्छी यहाँ से हम रॉन्ग ही चलते हैं ताकि हम जल्दी से पहुँच जाए। आज जेके पुलिस बैठी है यहाँ पे, लेकिन आज ये कुछ भी नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ ईद। आजकल ध्यान से जाना पड़ता है क्योंकि रोडों पर भी रश होता है यार, बच्चे बुच्चे सारे घूमते रहते हैं। ये देखो भाई, कितने सारे जा रहे हैं ईद नमाज के लिए। यहाँ पे आज भी जाम है यार, ईद के दिन भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ये रोड ही छोटी है, क्या कर सकते हैं। किसी किसी टाइम ऐसा जाम होता ना यहाँ पे भाई, निकलने का कोई चांस ही नहीं होता, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा फंस जाता है यहाँ पे। ये देखो भाई साहब, यहाँ से नमाज के लिए कितने जाते हैं। फिर देखो भाई, नूरगा में कितना रश होगा यार। अभी ज़्यादा लोग नहीं आए, लेकिन थोड़ी देर में आप देखोगे रश तो बहुत ही बढ़ जाएगा भाई। अपनी बाइक जो हम यहीं पर खड़ी कर लेते हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस भी खड़ी है, पता नहीं क्या सीन होने वाला है, एम्बुलेंस क्यों है। तो गाइज ये चेक करो, कुछ इस तरह का नूरगा का व्यू जो है। अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट थोड़ी देर में आपको बहुत भीड़ देखने को मिलेगी। पूरी प्रॉपर जो है लाइनें वगैरह डाली हुई है, ये हमारे जो सफ़े होते हैं ना उसके लिए लाइनें डाली है भाई। अभी से जाम लग गया, पता नहीं वापस कैसे जाएं। बहुत ही जाम होगा जब नमाज ख़त्म हो जाएगी ना, इकट्ठे सारे निकल जाएंगे, फिर कितना जाम होगा भाई सोच लो। एंड गाइज ये चेक करो भाई, कितना क्राउड है। अभी भाई हम भी कोई ठिकाना पकड़ लेते हैं एंड ये शीट वगैरह बिछा देते हैं एंड उसके बाद हम भी बैठ जाते हैं। बाकी आपने रश तो देखा ही होगा भाई, यहाँ से भी चेक करो एंड यहाँ से चेक करो भाई, कितना ज्यादा क्राउड है। मेरी अभी नमाज जो है कंप्लीट हो गई, पढ़ ली हमने नमाज। अभी हम जाते हैं अपनी बाइक के पास एंड अभी मैंने हेलमेट ना अपने दोस्त के घर छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भरोसा नहीं था भाई, कोई ले भी सकता था। एंड अभी सुबह से स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे एंड झूले वगैरह सब कुछ।